He's here. Spotify Originals presents Boss Bhaskar Boss in association with Audio Boom. Bahut Katha. Produced by Eminem Talkies. Bhaskar Boss. Bhaskar Boss में अब तक आपने सुना? अरे कुमार को क्या हो गया? अरे उठ जा मेरे शेर दे पुत्र. कुमार. इसको क्या हुआ? एक मिनट. Oh my God. इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही. इंस्पेक्टर बिकेश, आप ये किसको लेकर आ गए? बोस, भास्कर बोस. कुमार को किसी से खतरा था क्या? खतरा तो पता नहीं, मगर जावेद से उसका झगड़ा जरूर हुआ था. Excuse me, आप जावेद है राइट? हाँ, तो आप मुझसे मिलने आए हो क्या? कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? ये कैसा सवाल है? I'm a graduate, B Pharma. तुम ये बताओ, हम राइटर जावेद के घर पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक सारे सबूतों ने हमें उसके घर का रास्ता दिखाया था. जावेद, खोलो. अरे देखा, सच में सो रहे, वो भी टेबल पे. राइटर बाबू, जावेद. दादा पीछे, डोंट, ये मरा हुआ है. तुमको क्या लगता है किलर कौन है? जिसके पास सारी जानकारी है. भास्कर, ये डेड बॉडी कैसे? पीछे हटो तुम लोग. अरे जोशी जी, चुप. ए जोशी, आराम से, हमको भी अभी तक कुछ नहीं पता. मेरा गणित ये कहता है कि एक सच वो होता है जो आपको दिखता है, और दूसरा वो जो असल में सच होता है. मुजरिम की चालाकी ही उसकी बेवकूफी के निशान छोड़ती है, जैसे कि ये कमरा. क्या है यहाँ? मुझे तो यहाँ सिर्फ एक आदमी की लाश के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है. कुछ चीजें आंखों से नहीं, दिमाग से नजर आती हैं. दादा, आपको जहर दिख रहा है? क्या बकरे हो यार, कहाँ है जहर यहाँ? ये देखिए, पेन का कैप. ना, चबाया हुआ पेन का कैप. जावेद की आदत. बुरी आदतें अक्सर मौत के साथ ही खत्म होती हैं. किलर को जहर को सिर्फ पेन के कैप तक पहुंचाना था. लेकिन तुमको क्या लगता है, बोलो तो, किलर को कैसे पता चला कि हम जावेद से मिलने आ रहा है? इसके जवाब के लिए हमें चोपड़ा से मिलना होगा. एकदम सही बोला तुम साला, क्योंकि हमारे यहाँ आने के बारे में सिर्फ चोपड़ा को ही पता था. लेकिन चोपड़ा ऐसा क्यों करेगा, वो सोच रहा है. एक मर्डर तो ऑलरेडी हो चुका है, वो चाहे तो फिल्म ऐसे ही बंद कर सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? दादा, मकसद कई बार मुजरिम के जुर्म की पूरी दास्तां बयान कर देता है. आइए, आपके दोस्त चोपड़ा जी को डिस्टर्ब करते हैं. चलो तो. हेलो चोपड़ा साहब, कहीं जाने की तैयारी में क्या? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना, मुझे शक करना और शक के दायरे में आए लोगों के साथ लंच करना बहुत पसंद है. कुछ ऑर्डर किया जाए? आइए. देखो, मेरा इस मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है. कुछ तो कनेक्शन है मिस्टर चोपड़ा. आपका गला सूख रहा है, माथे पर अचानक पसीना आ रहा है, आंखें लाल हो गई हैं. आप क्या छुपा रहे हैं चोपड़ा साहब? क्योंकि आपका यह डर आपकी कोशिश को नाकाम कर रहा है. देखो, मैंने सिर्फ ये बात छुपाई है कि फिल्म का इंश्योरेंस है, और उसमें ये क्लॉज है कि अगर फिल्म 7 साल में कम्प्लीट नहीं हुई तो फिल्म में लगाए हुए सारा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा. तो आपके पास फिल्म टालने का सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव है ना मिस्टर चोपड़ा? देखिए, पहले नहीं सोचा था मैंने, मेरी हर फिल्म इंश्योर्ड होती है. लेकिन जब इस फिल्म को 4 साल हो गए तो मैंने सोचा कि अब वैसे भी ये स्टोरी नहीं चलेगी. तो आप क्यों नहीं बंद कर देता फिल्म? अरे अगर खुद बंद करूंगा तो ये इंश्योरेंस के पैसे मुझे नहीं मिलेंगे. खुद ही अपनी बात कह गए. ये किसको साथ ले आए हो बिकेश तुम? अरे चोपड़ा साहब, ये भास्कर है मेरा, भास्कर बोस. भास्कर से मुजरिम को बस एक ही चीज बचा सकता है, पता है क्या? मौत. 3 दिन में दूसरी मौत. जावेद और कुमार का झगड़ा था, लेकिन किसी ने दोनों को मार दिया. कौन हो सकता है वो? मैं पहले बताना चाहता था, कपूर.
विकास कपूर सुपरस्टार, जावेद और कुमार का झगड़ा भी उसी ने करवाया था। विकेश दा, आइए पनवेल की तरफ चलते हैं, राइड भी हो जाएगी और फार्म हाउस में जाके विकास कपूर से भी मिल लेंगे। एंड चोपड़ा जी, शहर छोड़कर जाने की सोचिएगा मत, और अब फोन उठाइए और लंच ऑर्डर करने के बाद कपूर से हमारी मीटिंग फिक्स कराइए। चोपड़ा जी सुन रहे हैं ना? यस। विकेश दा, फार्म हाउस तो काफी तगड़ा है इनका। की पोषा भाई, आ गए आप दोनों? हाँ, चलिए एक काम कीजिए, जो जो पूछना है जल्दी जल्दी पूछ लो। चलो, चालाक मुजरिम वही है जो अपने डर पे काबू रखे, और आप बिल्कुल डरे हुए नहीं लग रहे। कूल इन स्विमिंग पूल है ना? स्टार हूँ मैं, स्टार विकास कपूर। लेकिन भास्कर बनाती है ये फिल्म। मगर लोग तो कहते हैं कि आपने ये फिल्म ममता की वजह से साइन की थी। वो जो इस फिल्म में कपूर साहब की बहन बनी थी वो ममता। अबे बहन होगी तेरी। आए? ये सब बकवास किसने बोला तुम लोग को? कपूर जी कम ऑन, ऐसी बकवास पूछने या बोलने की मोहताज नहीं होती, खुद तो खुद फैल जाती है। राम दाल लेके आओ मेरा। हाँ, उसकी वजह से साइन की थी। 5 साल पहले जब ये फिल्म स्टार्ट हुई थी उस वक्त टॉप की एक्ट्रेस थी ममता। हाथ देना, आइए। लेकिन जब पहली बार बंद हुई ना ये फिल्म, तब सब खत्म हो गया अपने बीच। उसके बाद जो दूसरी बार स्टार्ट हुई फिल्म, तो साला चोपड़ा ने अपने महबूबा, वो क्या नाम है उसका, मिनी, मिनी को लॉन्च किया। ममता को काफी लॉस हुआ था और फिर वो मिनी भी टपक गई। सबको लगता था ममता को रोल वापस मिल जाएगा, लेकिन ढलती उम्र। कपूर साहब, ड्रग्स करते हैं आप? वो क्या होता है? या तो आप ड्रग्स करते हैं या आप डॉक्टर हैं जो आपके गार्डन में ये 22 गॉज की नीडल मिली है, और आपके हाथ पे ये नीला निशान। भास्कर बहुत शाना है रे तू। आदमी की पहचान अच्छी है आपको। जावेद के किलर को जानते थे आप? अपना उसके मर्डर से कोई लेना देना नहीं, उसका कनेक्शन पता करना है ना, तो उससे मिलो जिसके लिए जावेद ने ये फिल्म लिखी थी। And now, if you both will excuse me, I need to cool off. See you, Mr. Kapoor. See you. Hey, चल तो। चल। Hey, साला तुमको एक बात बोला भास्कर, कपूर ही प्राइम सस्पेक्ट लगता है मुझे। ये तो सामने दिख रहा है दादा, लेकिन जो नहीं दिखता वो देखना बहुत जरूरी है। बाय द वे, जैसा कि मैंने कहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि जावेद साइनाइड से मरा है। मुझे फिलहाल ये पता करना है कि किलर को कैसे पता चला कि हम जावेद तक पहुंचने वाले हैं। किलर कोई स्ट्रेंजर भी तो हो सकता है, हायर्ड किलर, भाड़ार बने ना दादा। जावेद की बॉडी पे ना कोई स्ट्रगल के निशान मिले, ना उसके घर का सामान चोरी हुआ, ना पैसा। ता तो ठीक। एक सेकेंड विकेश दा, जावेद की डेड बॉडी से जो सामान बरामद हुआ था वो कहाँ है? मुझे उसका पर्स देखना है। ओके, चलो पुलिस स्टेशन। नहीं, नहीं 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 दादा, मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे फिल्म मैगजीन्स पढ़नी है, गॉसिप में से सच अलग करने का वक्त आ गया है। हाँ विकेश दा, सॉरी सॉरी हम लेट हो गए। ये लीजिए भेलपुरी खाइए, रिश्वत। चलें थोड़ा सा वॉक करें। वैसे किधर जा रहे हैं हम लोग? इस केस से जुड़े एक अहम किरदार से मिलने, ममता। है? ये ममता पुराना हीरोइन? ए, वो तो हमारा फेवरेट है रे। ए, हमारा एक फोटो तुल के देगा उसके साथ। आप चलिए चुपचाप। चोपड़ा सर का कॉल आया था। आइए विकेश दा, आइए। क्या हो गया? तुम उनको कैसा भेलपुरी खिला रे? तुमको मालूम है मैं इतना स्पाइसी खाना नहीं खाता, हमको एसिडिटी हो जाता, पूरा बॉटन जलता हमारा। दादा सॉरी, लेकिन कभी कभी। बैठिए। यू हैव सम प्रॉब्लम? नहीं नहीं, बस थोड़ा एसिडिटी है मैडम, बस। हमको कुछ सवाल करने थे आपसे। पूछिए।
ममता जी, हमें लोगों ने बताया कि जावेद ने ये मूवी फिल्म की हीरोइन के लिए लिखी थी। फिल्मी मैगजीन्स भी यही कहती हैं। इसका मतलब फिल्म आपके लिए लिखी गई थी। फिल्मी गॉसिप है भास्कर जी, मसाला लगी हुई। और अगर मेरे लिए लिखी होती तो मैं आज सेकंड लीड क्यों कर रही होती? सॉरी, हमको बहुत अनइजी फील हो रहा है भास्कर। हम एक मिनट रुकिए, आप पहले कोई दवाई ले लीजिए। अरे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मैम, वो छोटी इलायची ला दीजिए अगर किचन में हो तो। इस बड़े पेट का इलाज उस छोटी इलायची से हो जाएगा। अरे धुत तरीका, कुछ भी बोलता रहता तो पब्लिक के सामने। अरे नहीं नहीं रुकिए, ये घरेलू दवाओं से कुछ नहीं होता है। मैं इनके लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। क्या खिला है भास्कर? ऐसा कोई खिलाता है मार डालने वाला सामान? ये लीजिए, ये कुछ दवाइयाँ हैं, इसके कॉम्बिनेशन से काम हो जाएगा। पानी थोड़ा कम नहीं है? नहीं, 100 ml में एक स्पून काफी होगा। थोड़ा डाइल्यूट करके देना होगा वरना हैवी हो जाएगा। ये लो दादा, ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लग रहा अभी? तुम बाद में मिलो हमको। हाँ तो ममता जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, मुझे सबकी मौत का दुख है, लेकिन सबकी मौत नेचुरल थी सिवाय जावेद की। आई गेस वो स्ट्रेस था। ओ वाओ, पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी बाय पीटर एफ ड्रकर, काफी इंटरेस्टिंग बुक है आई मस्ट से। या आई वाज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, बैड हैबिट यू सी। वाह की सुंदर, ब्यूटी विद ब्रेन्स, आपका फैन था, मतलब अभी भी है। सॉरी। थैंक यू सो मच ममता जी। वैसे मैंने सुना है कि चोपड़ा जी फिल्म को ऑफिशियली बंद कर रहे हैं। यस, कल क्लोजिंग पार्टी भी रखी है। हम भी इनवाइटेड है, पता है आपको। सी यू देयर ममता जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से 5 साल पहले आपके साथ ये सफर शुरू हुआ था। कुछ लोग शुरू से साथ थे, कुछ लोग बाद में इस सफर में शामिल हुए, कुछ ऐसे भी थे जो इस सफर के दौरान हमारा साथ छोड़ के चले गए। इसलिए आज मैंने ये बताने के लिए आप सबको बुलाया है कि मैं ये फिल्म ऑफिशियली बंद कर रहा हूं। शो टाइम दादा, किलर इसी पार्टी में। ए भास्कर, तुम किधर जा रहे हो? ए सुनो, थैंक्स एंड चीयर्स। एक सेकंड चोपड़ा जी। हेलो एवरीबॉडी, चोपड़ा साहब ने ये नहीं बताया कि इस सफर में एक और शख्स आप सबके साथ जुड़ा था, एक किलर जिसने उन चारों का मर्डर किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस वक्त इसी रूम में मौजूद है। क्या बकवास कर रहे हो? माइक दो मुझे। और एक सरप्राइज है, ये जो ड्रिंक्स आप सब पी रहे हैं, इसमें उस किलर ने एलिल आइसोथियोसाइनेट नाम का केमिकल मिलाया हुआ है। तुम क्या बोलता है यार, हम भी तो पिया ना ये ड्रिंक, हम भी जाएगा। अद्भुत कथा है ना। एलिल आइसोथियोसाइनेट नाम सुनते ही सबने अपना ग्लास फेंक दिया, सिवाय एक शख्स के, उस शख्स के जिसको पता है कि एलिल आइसोथियोसाइनेट जहर नहीं है। इसलिए सिर्फ उस शख्स के हाथ में ग्लास है जो किलर है। ममता, तुम ये झूठ बोल रहा है। क्यों? ममता व्हाई, जिसको ये पता है कि एंटासिड या कोई भी दवाई किस कंडीशन में कितना डाइल्यूट किया जाना चाहिए, जिसके पास तमाम केमिकल्स के एक्सेस हैं, क्योंकि उसके फादर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी के फेमस प्रोफेसर हैं, और जिनकी लिखी हुई फेमस किताब आप ही के टेबल पर रखी हुई थी, जिसके लिए वैलियम या साइनाइड का जुगाड़ करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। He's making up stories. Trust me, ममता, अपनी स्टोरी खुद बताओगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सबूत तो मेरे पास काफी है। हाँ, मैंने ही मारा है कुमार और जावेद को। लेकिन क्यों ममता? तुम्हारी वजह से। यू फिल्दी मैन चोपड़ा, साले कुत्ते। ये फिल्म मेरी थी, मेरी, जावेद ने मेरे लिए लिखी थी, और इसलिए हक था मेरा इस फिल्म पर। लेकिन तुमने उस लाइटमैन को क्यों मारा? ना फिल्म डीले होती और ना ही फिल्म की हीरोइन चेंज होती। मैंने उसको नहीं मारा, एक्सीडेंट था, लेकिन उस एक एक्सीडेंट ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। चलिए अब ये भी बता दीजिए कि
मिनी को कैसे मारा? पॉइजन, जो सीधे ब्रेन पे असर करता है। लेकिन तुमने कुमार को क्यों मारा? अगर गुस्सा था तो चोपड़ा को, आई मीन मिस्टर चोपड़ा को मारती ना। चोपड़ा, as much as I hate this man, he was my source of income. चोपड़ा मर जाता तो कंपनी बंद हो जाती। कुमार को सिर्फ इसलिए मारा ताकि फिल्म और जितना डिले हो सके, ताकि तुम्हें इन हाउस आर्टिस्ट होने की वजह से पर डे के रोज पैसे मिलते रहे। I had no option. लेकिन तुमने जावेद को क्यों मारा? तुम तो प्यार करती थी उससे। भास्कर ने जब कुमार की इंसुलिन वाली सिरिंज लैब में दी थी तो मुझे खबर लग गई। हालांकि जावेद को इन मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, पर उसके घर में तमाम ऐसे सबूत थे जो तुम्हें मुझ तक ले आते। उसकी आदत का फायदा उठा के मैंने उसके पेन के कैप में साइनाइड लगा दिया और घर से हर सबूत साफ कर दिया। बड़ी सफाई से, लेकिन एक बात का ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में उसके गलत हाथ में पेन थमा दिया और उसके पर्स से अपनी फोटो निकाल के पर्स सही से अंदर नहीं रखा। आपको याद होगा बिकेश दा, जब हम पहली बार जावेद से मिलने गए थे तो उसने पर्स से पैसे निकाल के सिगरेट का पैकेट मंगाया था। मैंने तभी ममता का फोटो उसमें देख लिया था। वो पहला सुराग था। सुराग वो चिंगारी है जो जुर्म के पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। फिल्म की ये क्लोजिंग पार्टी सिर्फ दिखावा था, है कि नहीं चोपड़ा जी? यस, एंजॉय, क्योंकि ये फिल्म बंद नहीं हो रही है। ऐजे, अब हमको मालूम पड़ा तुम हमको कल स्पाइसी भेलपूरी क्यों खिलाया था। बहुत शैतान तुम। सॉरी दादा, मुझे ममता का केमिस्ट्री ज्ञान चेक करना था। बाय द वे, देखिए ना मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। की स्पाइसी भेलपूरी। ओरे साला। यू वर लिसनिंग टू स्पॉटिफाई ओरिजिनल्स भास्कर बोस इन एसोसिएशन विद ऑडियो बूम, प्रोड्यूस्ड बाय M&M टॉकीज। स्टारिंग मंत्रा एस भास्कर बोस, शादाब हाशमी एस बिकेश दास, एपिसोड राइटर्स आसिफ सैयद एंड उबेदुर रहमान, एडिटिंग एंड साउंड डिजाइन मनीष शर्मा, बैकग्राउंड स्कोर शादाब हाशमी, फीचरिंग राजा कापसे, हितेश मालुकानी, त्रिमाला अधिकारी, राहुल शर्मा कुंडकर, मनीष शर्मा एंड उमेश बर्वे, एसोसिएट डायरेक्टर्स शिमोना माथुर, हार्दिक मनियार, डायरेक्टेड बाय मंत्रा। दिस शो इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। एनी नेम्स, कैरेक्टर्स, प्लेसेस एंड इंसिडेंट्स आर ईदर प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रिएटर्स इमेजिनेशन और यूज फिक्टिशियसली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल इवेंट्स और पर्संस, लिविंग और डेड, इज प्योरली कोइंसिडेंटल। This show does not intend to defame any nation, state, individual, caste, or religion. The show does not promote any form of superstition or witchcraft and does not support smoking or drinking. Listener's discretion is advised.